अमरोहा थाना देहात क्षेत्र की ननहेड़ा चौकी के सामने मुनीश ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने कूमल लगाकर की 2 लाख की चोरी। जनपद अमरोहा की ननहेड़ा चौकी के बराबर में मनीष ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने कूमल लगाकर 2 लाख की चोरी पर हाथ साफ कर दिया। जनपद अमरोहा थाना देहात क्षेत्र की ननहेड़ा चौकी के बराबर में बीती रात को मनीष ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने कूमल लगाकर सीसीटीवी कैमरे सिस्टम सहित सोने चांदी के आभूषण कुल 2 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जांच मौके पर पहुंचकर सीओ अमरोहा व थाना देहात एसएचओ अरिहंत कुमार ने जांच कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी देते हुए दुकान के मालिक राकेश सिंह पुत्र मिश्री सिंह गाँव घनसूरपुर ने बताया कि मेरी दुकान में बीती 26 अगस्त को भी एक बार चोरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का सामान जा चुका है और आज फिर दूसरी बार दुकान में चोरी हुई है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का सामान फिर से जा चुका है और इस चोरी में दुकान के हिसाब की डायरी भी जा चुकी है। क्या नाम आपका? राकेश सिंह। ये आपकी जो दुकान में चोरी हुई रात, ये कितने रुपए का सामान जा चुका है? 2 लाख के आसपास। पहले भी आपके यहाँ चोरी हो चुकी? हाँ, पहले 25 तारीख को हुई चोरी। 25 अगस्त? हाँ। तो उसमें कितने रुपए का सामान गया था? उसमें 3 लाख का आसपास गया सामान। यह दूसरी बार चोरी हुई है? हाँ, दूसरी बार। अब ये क्या का सामान गया आपका? अब ये कैमरे के सामान टोटल चला गया और एक कांटा चला गया और काफ़ी सामान जा चुका है। कुछ आप सर जी, आप सर लगभग टोटल कितने रुपये का हो गया? 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी।